हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं आपको छह कली का पेटीकोट बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। पेटीकोट काटना मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, और स्टिच करके भी दिखाऊंगी, तो आप स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेटीकोट में नेफा काटेंगे, 4.5 इंच चौड़ा आड़ा कपड़ा निकालेंगे, तो निशान लगाते हैं हम। सबसे पहले हमने ये 2.25 मीटर कपड़े को बिछा दिया है डबल करके, ये देखो। अब इसमें से हम एक साइड से 4.5 इंच की पट्टी काट रहे हैं नेफे के लिए, और ये हम डबल पट्टी काट रहे हैं क्योंकि जिसके हम पेटीकोट बना रहे हैं उसका हिप 48 इंच है, तो एक पट्टी से काम नहीं होगा। तो 4.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है, यहाँ से अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमने नेफे की पट्टी को कट कर दिया है। अब ये जो पट्टी है इसको जितनी हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग लेंथ लेनी है इसमें, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 48 इंच इसको हमें करना है। ये हमने पट्टी में थोड़ा सा जोड़ लगा दिया है, ये 24 इंच डबल है, मतलब 48 इंच की हो गई है। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर देते हैं, उसके बाद रफ लगाएंगे। पेटीकोट की लंबाई 39 इंच है, तो जितना लंबा हमें पेटीकोट लेना है उतना ही लंबा हम कपड़ा लेते हैं। अब जो हमारा नेफा है 48 इंच का, इसको हम 8 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 कली का पेटीकोट बनाते हैं तो 8 भागों में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ये हमारे 4 भाग हो गए। और एक बार और डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ये हमारे 8 भाग हो गए। या फिर आप इस तरीके से भाग भी दे सकते हैं, 8 × 6 = 48, 6 इंच आता है। ये भी 6 इंच होगा और ये भी 6 इंच होगा, ठीक है। अब ये जो मेरी साइड में रखा हुआ है कपड़ा, ये ओवर साइज है, वन साइड है, और ये ओपन साइड है, खुला हुआ साइड है। ये 6 कली के पेटीकोट में ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि बन साइड किस साइड में है और खुला साइड किस साइड में है। बन साइड में हम इसे रखेंगे और इससे 1/2 इंच की दूरी पर ऐसे निशान देंगे, या 6+0.5 6.5 पे। इसी तरीके से हम खुली साइड इसको रखेंगे और 1 इंच पे निशान देंगे। इन दोनों निशानों को तिरछा मिला के कट कर देंगे। ये हमने दोनों निशानों को मिलाते हुए तिरछी लाइन लगा दी है, अब इस लाइन पे कट करेंगे। अब ये कलियां यहाँ से भी बंद होती है, इन्हें हमें यहाँ से भी काटना होता है इस तरीके से। जो हमारा खुला साइड होता है वहां से 4 कलियां निकलती हैं और बंद साइड से 2 कली निकलती हैं। स्टिच करने से पहले हम इस तरीके से कलियों को नाप लेंगे। जो हमारा सीधा पार्ट है वो थोड़ा छोटा होता है और तिरछी वाली साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसे अगर पहले ही काट लेंगे तो गोल शेप हमारी और भी अच्छी आएगी। सारी कलियों में इसी तरीके से काट लेते हैं। बड़ी वाली कली को बीच में रखेंगे और साइड में दोनों छोटी कलियों को रख के स्टिच कर देंगे। ये हमने स्टिच कर दिया है, अब हम इसका नेफा जोड़ रहे हैं। ये सारी कलियां मैंने ऊपर तक जोड़ी थी, लेकिन एक साइड की जो कली है जहाँ से हमने नेफा स्टार्ट करना है उसको मैंने 3 इंच खुला छोड़ा हुआ है। अब हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसके उल्टी साइड से नेफा जोड़ना शुरू करेंगे। ये हम उल्टी साइड में उल्टा नेफा रख रहे हैं इस तरीके से। अगर नेफा छोटा और ये कली बड़ी होती है तो बड़ी कलियों के बीच में हम एक छोटी सी चुन्नट भी डाल देते हैं, ये ऑप्शन है। अगर बराबर बैठ रहा है तो आप डायरेक्ट सिल सकते हैं। अब हम इसको नेफे को सीधी साइड में इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ये सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, इस तरीके से इस सिलाई के टच में नेफे को फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब एक पैर की दूरी पे सिलाई और लगाएंगे यहाँ पे, जिससे कि बेल्ट हमारे अच्छे से बैठ जाए। ये देखो कितनी फिनिशिंग से नेफा लगाया, बिल्कुल झोल नहीं आया पूरे नेफे में। अब हम इसका नीचे का घेरा भी इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए 2 सिलाई लगा देंगे।
नीचे घेरे में थोड़ा झोल आता है तो इस तरीके से कपड़े को उठा कर लें, ढीला ढीला लें जिससे कि झोल ना आए, और जहाँ सिलाई आ रही है सिलाई पे सिलाई नीचे मिलनी चाहिए। सिलाई से अगर ज़रा सा भी टेढ़ा हो जाएगा तो झोल बढ़ जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आया है नीचे भी, और अब हम इसमें एक सिलाई और लगा रहे हैं सीधी साइड से। इस तरीके से एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा के इसे भी फिनिश कर देंगे। पेटीकोट तैयार हो गया है। ये जो नेफे में से पट्टी बची थी इसको हम तीन पार्ट में काट के इसका नाड़ा सिल देंगे। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है और 1.5 मीटर की पट्टी कटी हुई है। ये इस तरीके से इसको स्टिच करना है। इस पट्टी को हम दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इधर से भी फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, ये जो हमारा कटा हुआ पार्ट है ये अंदर चला जाएगा और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नाड़ा तैयार हो चुका है। तो ये हमने सिल के तैयार कर दिया है। बचे हुए कपड़े में से नाड़ा भी बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।